मुख्यमंत्री के बेटे, बहू और इसके साथ ही 4 साल की पोती की हत्या कर दी गई। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारेलाल के बेटे, बहू और 4 साल की पोती की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर उर्गा थाना क्षेत्र की पुलिस और आला अधिकारियों की टीम पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक प्यारेलाल के बेटे, बहू और पोती सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या क्यों की गई। मामले की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही बाकी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जिले में ट्रिपल मर्डर का जघन्य घटना सामने आई है। इस घटना में जो मृतक हैं वो हैं जो पूर्व अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के छोटे पुत्र हैं हरीश कंवर। उनके परिवार को पूरी हत्या कर दी गई है। हम इस वक्त हैं भैसमा के उनके घर के सामने। ये हरीश कंवर का घर है। यहाँ पर हरीश कंवर अपने भाई के साथ रहते थे। दो परिवार यहाँ रहता था। आज तड़के जब उनका भाई हरभजन सिंह अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और जब वापस आकर देखा तो उनके भाई हरीश कंवर और उनकी पत्नी और उनके 3-4 साल की मासूम बच्ची की छत विछत हालत में लाश पड़ी हुई थी। ये नज़ारा देखकर उनके भी होश फाकता हो गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और घटना के मिलने के बाद ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही जो यहाँ के कांग्रेस के राजस्व मंत्री हैं वो जय सिंह अग्रवाल अपने तमाम नेताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके में सनसनी फैली हुई है और अभी भी जो तीनों की बॉडी है वो घर के अंदर है। हालांकि अभी मीडिया को भी वहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो पहलुओं की जाँच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम और डॉग